हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या है और उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी हैव 42 नंबर कार्ड। बॉटम से हमारे पास आता है हार्ट चक्रा, 38 नंबर की एनर्जी है। ओके ओके, सो वी हैव फोर ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड इतना स्ट्रांगली आपके निकल के आया है, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड मैजिशियन। आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम फॉर अ बिगर चेंज। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी मुझे बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी गाइज आपके लिए, बॉटम से हमारे पास मून है एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो ये दिखाती है आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि समवेयर आपके पर्सन के अंदर आई थिंक कुछ तरह के इनसिक्योरिटी होगी या फिर किसी तरह के कोई डाउट्स होंगे जो इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। आपके पर्सन के मन में ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर वो इस रिश्ते को लेके, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे, समवेयर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते थे। यानी कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में अच्छाई और बुराई चलती रहती थी। कभी कभी ऐसा फील होता था इस रिलेशनशिप के अंदर कि ये रिलेशनशिप सिर्फ उनके लिए ही बना है या फिर आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए ही बने हुए। और समटाइम ऐसा भी फील होता था कि नहीं, इस पर्सन से मेरी जो ट्यूनिंग है वो वैसी नहीं चल रही है जैसी होनी चाहिए, जैसी एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स कहीं ना कहीं इन एंड आउट के चक्कर में मुझे यहाँ पर फंसी हुई नज़र आ रही है। तो आपके रिलेशनशिप में मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि अब जो वो इनसिक्योरिटी रही है, इन एंड आउट होना, हाँ ना में जवाब देना, कहीं ना कहीं फंसा के रखना, खुद भी कंफ्यूज रहना, आपको भी कंफ्यूजन में रखना, मतलब डिसीजन ना ले पाना, कुछ भी समझ में नहीं आना, सीधे सीधे चल रहे हैं, अचानक से ट्रैक से भटक जाना, ठीक है, मतलब कि पता चला अभी हाँ बोला है और कुछ टाइम के बाद में ये पर्सन सडन आपके आके आपको ये बोलते होंगे कि नहीं 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 मुझे अभी और टाइम चाहिए, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, समथिंग लाइक कुछ ऐसे एक्सक्यूजेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो यही दर्शाते हैं कि इनके माइंड में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो रहा है। अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव नेगेटिव थाट यहाँ पर चलते हुए नज़र आते हैं। अब मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनको अपने ही डिसीजन पे, जैसे कि इनको लगने लगा है कि ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे इसका इम्पैक्ट इनके खुद के लाइफ पे भी पड़ रहा है और आपकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये इस तरह के ट्रांजिशन पीरियड को व्यूवर्स यहाँ पर शो किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस तरह के कन्फ्लिक्ट से ओवरकम करना, उसको समझना, उसको सस्टेन करना जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, सो दैट कि एक तरह से प्रॉपर डिसीजन लिया जाए और उसको आगे फॉरवर्ड भी किया जाए। यहाँ पे एक तरह से देख रहे हो व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुझे आपके रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आती है। ये स्टेबिलिटी इस बात को रिलेट करती है कि आने वाले समय में अब जो ये ट्रांजिशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है, इस पर्सन के थॉट ऑफ माइंड से जो रिप्रेजेंट होता है कि वो एक तरह से यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रांग डिसीजन जो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके साथ में ही आगे बढ़ना रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको ये व्यूअर्स फील होने लगा है कि इस तरह के डिसीजन ना ले पाने की वजह से इनके
जो थॉट ऑफ माइंड है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनको ऐसा फील होने लगा है कि आपका दिल भी इनसे कहीं ना कहीं उतना रिलेट नहीं करता है, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, यहाँ पे इस पर्सन को ये भी फील होने लगा है कि शायद अब आप दोनों के बीच में ये रिश्ते की जो कड़ी है, जो बॉन्डिंग है, वो टूट ना जाए, वो बिखर ना जाए, इसीलिए उसको ये गैदर करने की, उसको इकट्ठा करने की, उसको फिर से जोड़ने की यहाँ पे कोशिश करें। कहते हैं कड़ी से कड़ी यहाँ पे मुझे जुड़ती हुई नज़र आ रही है, सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। यानी अब जो ये पर्सन डिसीजन लेंगे उसको ये परमानेंट करेंगे, उसको ये स्टेबल करेंगे, उसको ये कहीं ना कहीं सिक्योर कर देंगे। कहते हैं ना खूंटा गाड़ देने वाली एनर्जी, कि हाँ लो बस मैंने ये बात कह दी तो ये पक्की हो गई। तो वही व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अब आपका रिलेशनशिप मुझे स्ट्रांग, मजबूत और पक्का होता हुआ नज़र आता है। मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सम काइंड ऑफ ये जो पर्सन है अब एक तरह से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में जो था पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट थे इस रिलेशनशिप को लेके, व्यूअर्स हो सकता है कि कुछ और अनदर एस्पेक्ट भी इस रिलेशनशिप के परे हों जिस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो चीज़ें भी मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर और स्टेबल रिलेशनशिप को ले जाने के आगे यहाँ पर मुझे उनकी थॉट ऑफ एक्शन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है व्यूवर्स कि आप लोग यहाँ पे मुझे परिवार के सामने, हो सकता है ये आपको रिप्रेजेंट करने की बात सोच रहे हो, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में शादी की ही बात है तो उसको परिवार के साथ में डिस्कस करना या उसको आगे लेके जाना, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखो रिलेशनशिप तो उनके पास में है लेकिन उसको पक्का और परमानेंट कैसे करना है, या इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो फेथ की कमी आ गई है उसको कैसे वापस से मजबूत बनाना है, ये यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में होती हुई नज़र आ रही है। सम काइंड ऑफ व्यूअर्स में यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को अगर कहीं ना कहीं ये पर्सन को अगर ऐसा ही लग रहा था कि यही हमेशा सही होते हैं, आपकी बात ये ज़्यादा नहीं सुनते थे, ठीक है कम सम टाइम ऐसा हो जाता होगा आप लोगों को कि अगर आप इनको कुछ समझाते हो तो ये पर्सन उसको नहीं समझते होंगे। तो आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके विचार, आपके थॉट ऑफ एक्शन, आपकी सलाह का भी ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आपने जो इनको कभी ना कभी गाइडेंस दी होंगी, एडवाइजेस दी होंगी या कभी कुछ कहा होगा तो उसकी वैल्यू रही है, ऐसा नहीं है कि उसको पूरा कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये देख रही हूँ कि ये अब आपकी वैल्यू को भी अपने इक्वल देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने इक्वल रख रहे हैं, ये आपको अपने से कम या अपने से बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक इक्वल प्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये ऐसा भी समझते हैं कि अगर वो सारी बातें आपको बताएंगे, क्योंकि जो आप इनसे जानने की या समझने की कोशिश कर रहे हो, तो समवेयर ये रिलेशनशिप उससे या तो कमज़ोर हो सकता है या फिर इस रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। क्यों ना कॉपिया के व्यूअर्स यहाँ पर अगर हम देखें बॉटम से एनर्जी निकल के आती है, जो कहीं ना कहीं अब आपके रिश्ते में एक तरह से अबंडेंस का आना, एक तरह से खुशियों का आना यही रिप्रेजेंट करती है, यानी कहीं ना कहीं कंप्लीट अबंडेंस की तरफ आपका ये रिश्ता बढ़ता हुआ नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जी भी यही दिखाती है कहीं ना कहीं अब आप अपनी ज़िंदगी में एक अंधेरे से उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हो, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स हर्मिट की एनर्जी आती है, ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड भी व्यूअर्स यहाँ पर निकल के आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं जो मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते हों, तो व्यूअर्स वही समझ में आ रहा है कि इनको इन्होंने कहीं ना कहीं समझा है, एक तरह से कहते हैं ना इनर जर्नी करना, इनको व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आने लगी है कि कुछ बातें अगर रिवील ना हो या कुछ बातों को अगर हम इग्नोर भी कर दें, अगर उससे एक रिलेशनशिप अगर बेहतर हो सकता है, उससे रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, उससे एक परिवार टूटने से बच सकता है, तो क्यों ना हमें वही करना चाहिए। तो सम काइंड व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ के कुछ आस्पेक्ट ऐसे हैं जिसको अब ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो वजह आपको आपके पर्सन की तरफ आने से रोकती थी उसको ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, हो सकता है व्यूअर्स आप लोगों को बटरफ्लाई भी इस समय काफी नजर आ रही हो, बटरफ्लाई हो सकता है और कुछ फ्लावर
बहुत एनर्जी आपको दिख रही होगी। मे बी ड्रीम में आप फ्लावर्स वगैरह देखते होंगे, तो फ्लावर्स भी एक तरह के सेलिब्रेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के लिए इंडिकेशन भी ये रहेगा, अगर आपको बटरफ्लाई फ्लावर्स वगैरह नज़र आते हैं, मतलब जस्ट लाइक अ बुके वगैरह होता है ना डेकोरेशन किया हुआ होता है, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है या फिर कुछ नए फ्लावर्स आपको उगते हुए नज़र आते हैं ड्रीम्स के अंदर, तो ये भी आपके लिए एक इंडिकेशन रहेगा कि आपके साथ में ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। जैसे होते हैं कुछ नए आप पौधे उगते हुए देखते हो या फिर कुछ फ्लावर्स निकलते हुए देखते हो, ठीक है, समवेयर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है और जो ग्रो करेगी आगे बढ़ेगी, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड एंड द थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द जस्टिस। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन फ़िलहाल कुछ चीज़ें व्यूअर्स इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी करी थी जिससे उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपको बेहतर पता है इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया और किस लेवल तक हर्ट किया है, लेकिन मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस वजह से, उन बातों की वजह से, जिस बातों से आपको हर्ट हुआ है आपके पर्सन व्यूअर्स, उसी वजह से कहीं ना कहीं एक तो आपके हो सकता है सामने ना आ पा रहे हों, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हों, और आपको ये एक तरह से डर की वजह से भी व्यूअर्स हो सकता है अवॉइड कर रहे हों आपके पर्सन, मतलब इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके सामने आ सके, या फिर ये उस समय इतने आपको अपने आप कैपेबल नहीं मान रहे होंगे कि आप जो इनसे डिज़ायर लेके चल रहे हो वो उनको पूरा कर सके, ठीक है। मतलब कुछ एक्शन जो लेना चाहते हैं वो इनके हो सकता है या तो बस में नहीं हो, या उस समय वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं मान रहे हों, ठीक है। लेकिन अब टाइम व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बोला था, चेंज हो रहा है, तो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जस्टिस की एनर्जी जो ये दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप में इस टाइम टू, मतलब कि जस्टिस हो आपके साथ में, आपके साथ में न्याय हो, ठीक है, और आपको वो मिले हक आपका जो आपको मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके लिए एक जस्टिस की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, ताकि ये रिलेशनशिप एक तरह से न्यू बिगिनिंग करे और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। एस ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ सोर्ड के बाद में आता है ये पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्टी खुद में भी महसूस करें, अगर इन्होंने आपको दर्द दिया है तो ये पर्सन खुद भी दर्द में है, खुद भी ये तकलीफ़ में है उन बातों की वजह से जो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में की है, उनसे ये ओवरकम कर पाना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत चुनौती भरा रहा है। और लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ सोचने से या फिर गिल्टी महसूस करने से बात नहीं होगी, अगर इनसे इन्हें इस गिल्ट से ओवर करना है तो कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ में जस्टिस करना होगा, इस रिश्ते के साथ में जस्टिस करना होगा, तभी ये इस गिल्ट से ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर मैं इस पर्सन को डिसीजन लेते हुए और इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो इनकी यही इंटेंशन है कि इस रिश्ते को वो बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे और सही डिसीजन लेंगे, ठीक है, अभी गलत निर्णय नहीं लेंगे व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे गलत डिसीजन लेके इस रिश्ते को बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, आपको कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ पे दर्द नहीं है, तुम्हें खुशियाँ भी मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ में व्यूअर्स ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।